नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो RRB JEE का आज एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों, जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले हैं तो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ओके, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, हम लोग इसमें करने वाले हैं GK के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन। ओके, तो जितने भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं तो उनके सारे हम लोग आंसर देखेंगे और करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि चमगादड़ जो है अंधेरे में किसकी सहायता से उड़ता है। तो चमगादड़ कैसे उड़ता है दोस्तों, देखिए चमगादड़ जो है अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंगे जो छोड़ता है उसी के माध्यम से दिशा का अनुमान लगाता है और उड़ता है। ओके, एक क्वेश्चन था हमारा मैथ का कि 4 सही 12/125 की होल घात 1/3 का मान क्या होगा। तो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, 125 का मल्टीप्लाई 4 में किया और फिर उसमें 12 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 512। और नीचे कितना होगा, 125। तो 512/125 की घात 1/3 तो क्यूब लग जाएगा, तो हम लोगों ने क्यूब कर लगा दिया 512/125। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का, और 125 किसका होता है क्यूब, 5 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/5। अगला जो क्वेश्चन करेंगे तो वो इस टाइप का है कि x=√3 + √2। तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो जैसा कि गाइस हमें पता है कि x बराबर क्या हो जाएगा, √3 + √2। तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, √3 - √2। ओके, क्योंकि ये दोनों संयोगमी है। ओके, तो गाइस हमें निकालना क्या है, x³ + 1/x³। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 1/x को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, √3 + √2 + √3 - √2, और काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2√3। और हम लोग क्या करेंगे, x + 1/x को a मान लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे a रखेंगे और यहाँ पर भी a रखेंगे तो a³ = क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ + 3a। ओके, अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x³ + 1/x³ = क्या हो जाएगा, a³ - 3a। अब a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारी है 2√3, यहाँ पे ये निकाली हम लोगों ने। ओके, तो 2√3³ - 3 × 2√3। अब इसका क्यूब करेंगे तो 2³ क्या होता है, 8, और 3³ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6√3। ओके, तो ये हो जाएगा 24√3 - 6√3। तो 24 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है जीके के हैं क्वेश्चन कि किस मुख्यमंत्री को मामा कहते हैं। तो वो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला है CIC के चेयरमैन कौन है, तो CIC के गाइस चेयरमैन है सुधीर भार्गव। अगला है नोकिया के CEO कौन है, तो नोकिया कंपनी जो है उसके CEO हैं राजीव सूरी। अगला है सबसे भारी तत्व तो कौन सा होता है, तो सबसे भारी जो तत्व तो होता है वो होता है ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है पास्कल सेकंड किसका मात्रक होता है, तो पास्कल सेकंड जो मात्रक होता है वो होता है डायनामिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, स्यानता, और डायनामिक गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज स्यानता। ओके, अगला है पानी को सीमेंट में घोलने पर क्या होता है, तो अगर पानी को सीमेंट में मिलाया जाता है तो उसमें से हीट जनरेट होती है, या कह सकते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन गाइस रीजनिंग का जो मुझे ढंग से नहीं मिला, बट थोड़ा सा मुझे पता है कि डायरेक्शन को ये लिखा जाता है, तो आगे का हमें अल्फ़ाबेट दिया था उसको क्या लिखेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्शन में सभी को नंबरिंग दे देते हैं और जो नया अल्फ़ाबेट बनता है उसी के अनुसार हम लोग सेट कर देते हैं, और जो पूछा जाता है उसी के अनुसार हम लोग अगला वर्ड भी, अगला शब्द भी बना देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 14:49:18 क्या होगा यहाँ पे। तो गाइस देखिए, 14 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 42, और 14 का आधा कितना होता है, 7, इसमें ऐड कर देंगे तो हमें 49 मिल जाता है। यही टेक्निक हम लोग इसमें भी फॉलो करवाएंगे कि 18 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 54, 18 का आधा कितना होता है, 9, 9 इसमें ऐड कर दिया तो आंसर हमारा हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस
कब मनाया जाता है? तो गाइस देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जून को। अगला है, निम्न में से किस राज्य में अलग रेलवे जोन की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? मतलब डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? दांते। अगला क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर झील कहाँ पे है? तो दोस्तों देखिए, ग्रेट बैरियर झील है कनाडा में। अगला, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूत जो शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का गाइस आविष्कार जो किया था वो किया था गैलीलियो ने। अगला है, उदासीनीकरण की क्रिया में बनता है? तो गाइस उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है उसमें लवण व जल बनता है। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं NaOH प्लस H2O, सॉरी इसको हम लोग ले लेते हैं NaOH, ओके, तो लवण और जल बनता है और HCl की क्रिया करा देते हैं, तो इसमें क्या बनेगा? NaCl लवण बन गया और प्लस H2O, ओके। तो ये हमारा उदासीनीकरण की क्रिया है गाइस, रिवर्सिबल कह सकते हैं, जिसमें लवण और जल बन जाता है। अगला है, हैलोजन तत्व कौन सा होता है? तो मतलब ऑप्शन दिए गए थे, निम्न में से हैलोजन तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आयोडीन, आई। अगला क्वेश्चन बनता है, स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है? वो है 182 मीटर। अगला, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मतलब क्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अगला है, उपराष्ट्रपति भारत के कौन से हैं? तो मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? वेंकैया नायडू। अगला है, गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। अगला है, बुलर झील कहाँ पर है? तो गाइस देखिए, बुलर झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला, GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GST का फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन बनता है, कोलकाता से दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी? तो मतलब कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये है 1911। अगला, कर्नाटक के CM कौन है, मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हो जाएगा कुमार स्वामी। ऑस्कर अवार्ड से गाइस प्रश्न आया था, और बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बासिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सल्तार। अगला, पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो पहला वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, ओके। अगला है, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर डैम जो बना हुआ है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो गाइस देखिए, लोकसभा में टोटल जो सीटों की संख्या है वो 545 है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे साफ रेलवे स्टेशन का अवार्ड किसे मिला? तो कौन सा स्टेशन है जिसको सबसे साफ रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला? तो ये हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे। अगला, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उड़ीसा के CM जो हैं नवीन पटनायक हैं। अगला, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी किस पर बनी थी? तो ये बनी थी मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2018 कहाँ पर हुए थे? तो एशियन गेम्स 2018 हुए थे इंडोनेशिया में। अगला, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला, नोबेल पुरस्कार 2018 से प्रश्न आया था, और झारखंड के CM कौन है? तो गाइस देखिए, झारखंड के CM है रघुवर दास। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।